हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास क्लास 12 बासवंत दत्ता का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर चैप्टर जो है उसका मैं आज देने जा रही हूँ रिडेम्पशन, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन। हेडिंग देखिए, पेज नंबर मेरे बुक में 271 है, आपका चेंज होगा, उसका मैं आज सम दूंगी आपको 64, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 64 आपका 272 में है, ठीक है। इसमें ना देखिए, इसमें पास द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, इसमें सब तरह के सम आपको दे दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है और इसमें सब कुछ है। देखिएगा, रिडेम्पशन भी है, डिस्काउंट भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। इसको बस आपको तरीके से समझना है। यहाँ रिडेम्पशन और रिडीमेबल वर्ड भी नहीं है जिससे कि आप पकड़ पाए कि ये रिडेम्पशन का सम है। और पहला बात मैं ये बता दूँ, क्योंकि अभी तक मैंने अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का बहुत सारा सम अपलोड किया है जो कि मैंने कैसा कैसा दे दिया। आप पहले शेयर कैपिटल चैप्टर देख लीजिएगा, तभी ये चैप्टर करिएगा, क्योंकि हूबहू यही होता है। सिर्फ रिडेम्पशन ही जो होता है डिवेंचर में चेंज होता है, जो कि शेयर कैपिटल में नहीं होता है। और रिडेम्पशन मैं आज फर्स्ट शायद सम देने जा रही हूँ। शायद एक बार मैंने दिया है, वो बहुत एक दो साल पहले ही दिया होगा। दो दिन पहले इसका सम अपलोड किया है, 2-3 दिन पहले। पार्ट 7 है जिसका रिडेम्पशन का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। और डिवेंचर का आपको अगर ऐसे नॉर्मल डिवेंचर का कॉन्सेप्ट समझना है तो पार्ट 1 वीडियो देखिए। मेरा कोई भी चैप्टर का आपको देखना है सम, तो उसका अगर कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरी समझना है, वो कैसे क्यों का होता है, जर्नल कैसे आता है, तो सबका मेरा पार्ट 1 वीडियो देख के ही आप करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको शेयर कैपिटल देखना है तो उसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, तब सम कीजिएगा। कोई भी जो भी सम देखना है चाहे, या फिर आप एडमिशन देख रहे हैं उसका भी पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। जिसका भी आपको करना है पार्ट 1 वीडियो देख के, तो डिवेंचर का वैसी तरह से पार्ट 1 वीडियो का करिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा मैंने इसका सम अदर देन कैश का भी सम दे दिया है, फिर से मैंने TDS टैक्स का भी सम दे दिया है, इंटरेस्ट का भी सम मैंने दे दिया है, प्लस मैंने आपका एट पार का भी दे दिया, एट प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट, सब तरह का मैंने सम अपलोड कर दिया है। और 2-3 दिन पहले मैंने रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट दिया है जो कि मेरा पार्ट 7 में है। अगर आपको डिवेंचर का रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट देखना है तो पार्ट 7 देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाइएगा। उसमें मैंने एक दो एग्जाम्पल दे के सब समझाया है, थ्योरी समझाया है बहुत अच्छे से। और आज मैं इसका अपलोड करूँगी, तो आप एक चीज़ देखिएगा, इसमें ना सब तरह का दिया है, तो मैं देखती हूँ अगर सारा हो पा रहा है कि नहीं। अगर सारा एक वीडियो में हो जाएगा तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आप नहीं समझे हैं, फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दो दो करके मैं एक वीडियो में दूँ, तो वो सही। देखती हूँ मैं जब वीडियो बनाऊँगी तो देखती हूँ कितना लॉन्ग जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और हाँ, अगर जो भी मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो चलिए, तो फिर से मैं बोल रही हूँ, चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, और उसका मैं आज आपको रिडेम्पशन का पार्ट देने जा रही हूँ, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन। उसका मेरा पेज नंबर 272 का 64 है। इसमें आपको पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें रिडीमेबल, देखिए कोई भी सम में आपको रिडीमेबल रिडेम्पशन दे देगा, बट ऐसा टाइप का सम में आपको वहाँ मेंशन नहीं रहता है रिडीमेबल और रिडेम्पशन। आपको समझना पड़ेगा कि ये रिडेम्पशन है कि नहीं। रिडीमेबल और रिडेम्पशन एक ही वर्ड है, एक ही चीज़ है, तो आपको ही समझना पड़ेगा। अब वो समझने के लिए तो, क्योंकि उसका जर्नल चेंज हो जाता है, इसी वजह से आपको वो पहले समझना है। तो आज देखती हूँ मैं क्वेश्चन, ये समझा मैं पूरा दूंगी क्वेश्चन में, लेकिन सॉल्व मैं 2 का करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 का करूँगी, क्योंकि आप पूरे कंफ्यूज हो जाइएगा वैसे, क्योंकि एक ही बार में सारा ले लीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा। अगर आप नए हैं स्टूडेंट, रिडेम्पशन पार्ट नया कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आज क्वेश्चन समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रिडेम्पशन नहीं दिया हुआ, रिडीमेबल वर्ड नहीं दिया, तो हम कैसे समझेंगे क्वेश्चन पेपर में कि ये रिडीमेबल वर्ड है। देखिए, सबसे पहला है फर्स्ट रोमन नंबर जो है, अ डिवेंचर इशू। हाँ, इससे पहले प्लीज़ शेयर कैपिटल सम चैप्टर जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। रिडेम्पशन नहीं रहता है उसमें, लेकिन नॉर्मल तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल भी इंक्लूड है, तो इसीलिए वो करके डिवेंचर का कुछ नॉर्मल सम्स भी बना के तब रिडेम्पशन करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, द फेस वैल्यू 8% डिवेंचर, आपको मैंने परसेंट का जो इंटरेस्ट का दिया था उसमें ये यूज होता है परसेंट इंटरेस्ट के लिए, यहाँ नहीं होता है, यहाँ जस्ट नाम के लिए बोला जाता है। जहाँ आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे कैपिटल चैप्टर में, उसके बदले यहाँ 8% डिवेंचर लिखा जाता है। और वहाँ जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ उसके बदले आप बस डिवेंचर एप्लीकेशन लिखिएगा, बस यही फर्क होता है, नाम ही का चेंज है और कुछ नहीं है। चलिए देखिए, आप तो फेस वैल्यू 8% डिवेंचर इज ₹100, तो कितना है आपका फेस वैल्यू? ₹100, ठीक है। देखिए, फर्स्ट रोमन में आपका 100 ही है, फेस वैल्यू सेम है,
है ना, बट इशू किया है 105 में। तो आपको नॉर्मल जब हम डिवेंचर करते थे या कैपिटल में भी आप किए हो, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल चैप्टर में, कि अगर आपका 100 वेज वैल्यू और उसमें 105 आप कर दिए तो इसका मतलब ₹5 बढ़ गया। बढ़ने का मतलब मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। और वही अगर यही 100 रहता और 95 हो जाता तो वो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, नॉर्मल रिडेम्पशन रिडीमेबल नहीं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, नो रिडेम्पशन नो रिडीमेबल, कुछ भी रिडीमेबल और रिडेम्पशन एक ही वर्ड है, तो ये इसमें नहीं आया क्योंकि देखिए फेस वैल्यू सेम है, इसी रीजन से इसमें नहीं आएगा रिडीमेबल। ये फर्स्ट नंबर में रिडीमेबल वर्ड नहीं है, मतलब उसका कोई जर्नल पास नहीं होगा, जर्नल में उसका नामो निशान नहीं रहेगा। बट सेकेंड नंबर में देखिए फेस वैल्यू पे ही आपको पता चलेगा 100 से 105 हो गया, ठीक है। फेस वैल्यू आपका 100 था बट 105 यहाँ प्रीपेबल हो गया है, और जबकि उसमें आप 100 ही इशू किए हैं। तो जहां आप देखिएगा आपका फेस वैल्यू 100 से रिपेबल 105 हो जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है, तभी आप समझ जाइएगा कि ये रिडीमेबल है, मतलब रिडेम्पशन है और जर्नल में इसका रिडीमेबल का लाइन आएगा। लास्ट वीडियो में पार्ट 7 में मैंने कुछ जो एग्जांपल समझिए थे कैसे क्या क्या आता है, क्या जर्नल में नाम आ जाता है, वो देख लीजिएगा। यहाँ से तो मैं यहाँ भी सॉल्व करूंगी। तो ये रिडीमेबल है, कैसे समझे, 100 फेस वैल्यू से आपका रिपेबल अमाउंट बढ़ गया, देख लीजिए जहां बढ़ा तभी समझ जाइए रिडीमेबल है, बस सीधा बात। और जो सेम रहेगा उसमें आपको यहां से देखिए तो वो प्रीमियम हो गया, नॉर्मल प्रीमियम, क्योंकि यहां सेम ही है। अब नेक्स्ट वाले में भी देखिए, यहाँ 100 से देखिए यहाँ से जो 105 हुआ ये फेस वैल्यू सेम है, सॉरी सेम नहीं है, मतलब बढ़ा है, और ₹5 का डिफरेंस है। देखिए इशू 100 हुआ है तो ₹5 का डिफरेंस है, मतलब कितना रिडीमेबल हुआ, 5 का। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, 5 का। अब आ जाइए यहाँ पर थर्ड नंबर में आइए, ठीक है। देखिए 100 है, 105 हो गया, यहाँ भी 100 फेस वैल्यू 105 हो गया, मतलब यहाँ भी रिडीमेबल है। जहाँ फेस वैल्यू में अंतर आया देखिए बढ़ा है, बढ़ेगा लॉस होता है रिडीमेबल का, मतलब ना मैंने पिछले में भी बताया था। तो जहां बढ़ा रिडीमेबल आप कर दिए 105 में, रिपेबल का मतलब ही होता है रिडीमेबल। अब तुम आप बोलिएगा कि यहां भी है, बट यहां का देखिए फेस वैल्यू सेम है इसलिए नहीं हुआ, यहां रिडीमेबल वर्ड आएगा ही नहीं, बट यहां देखिए ये 100 फेस वैल्यू से बढ़ा दिया और रिपेबल किया तो ये रिडीमेबल होगा। यहां भी देखिए 100 फेस वैल्यू 105 हो गया, मतलब बढ़ेगा, मतलब रिडीमेबल होगा। अब ये देखिए कितने से क्या होगा, तो आपका 100 से 105 हुआ, मतलब ₹5 में का रिडीमेबल हो रहा है, लेकिन 5 से डिफरेंस नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ 95 दे दिया है, तो रिडीमेबल तो 5 ही का है, क्योंकि 100 से 105 का माइनस करिए। यहाँ भी देखिए 105 से 100 के किए ₹5 का, तो 5 से इसे मेकअप हो जा रहा है, 5 यहाँ रख दीजिएगा तो 105 हो जाएगा, इसलिए यहाँ हुआ। बट यहाँ 100 से 105 हुआ तो ये जो ₹5 का डिफरेंस हुआ वो तो रिडीमेबल हुआ, ठीक है, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो रहा है। देखिए ₹5 कम जा रहा है क्योंकि यहाँ 95 दिया है, ₹10 का डिफरेंस है ना, 10 में तो 5 आप रिडीमेबल लिया, ₹5 क्या हुआ, तो याद रखिएगा कम हो जाने को हम नॉर्मल जो करते थे वो ₹5 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ ना, 10 का बैलेंस डिफरेंस हो रहा है दोनों के बीच, और जबकि हमको यहाँ तो ₹5 का रिडीमेबल मिला। रिडीमेबल आपको यहीं से निकालना है, ठीक है, रिडीमेबल आपको यहीं से निकालना है, जबकि यहाँ का देखिए डिफरेंस आपका कितना का हो जा रहा है, 10 का डिफरेंस हो जा रहा है। ध्यान से समझिए, फिर से हम समझा रहे हैं। देखिए ₹100 फेस वैल्यू है, 100 में पहला नंबर में 100 ही था तो रिडीमेबल नहीं किया, क्योंकि सेम फेस वैल्यू है, सेम फेस वैल्यू और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ₹5। बढ़ गया ये तो आपको पता है, बढ़ने से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कम था 95 रहता तो वो डिस्काउंट, नॉर्मल नो रिडीमेबल। अब सेकेंड नंबर में देखिए 100 से 105 हो गया, मतलब ये बढ़ गया, जहां ये बढ़ा तो रिडीमेबल होगा, कितने से रिडीमेबल है, 5। बढ़ना का मतलब ये कि नहीं लॉस होना, रिडीमेबल आप किए हैं लॉस पे ₹5 का रिडीमेबल पे, तो 100 से 105 हो गया तो ₹5। अब देखिए बैलेंस मिला लीजिए, 5 का ही डिफरेंस है, तो चलो सिर्फ रिडीमेबल भी होगा। अब नो सिक्योरिटी इसमें आएगा, नो ही डिस्काउंट आएगा, क्योंकि ये बैलेंस हो गया। बट थर्ड नंबर में देखिए 100 है और 105 हो गया, ठीक है, यहाँ भी वही, अगर यहाँ से डिफरेंस बढ़ गया तो ये भी रिडीमेबल ही होगा क्योंकि ₹5 का है। अब यहाँ का यहाँ से बैलेंस करिए तो देखिए ₹10 का डिफरेंस हो रहा है। अब 10 में तो 5 हम रिडीमेबल ले रहे हैं, लेकिन और ₹5 क्या हुआ, तो कमा है, तो आपको पहले ही बोली कमा होने से क्या होता है, डिस्काउंट, ₹5 डिस्काउंट, तो 5 डिस्काउंट 5 रिडीमेबल, तब बैलेंस हो जा रहा है 10 का, हो गया। फोर्थ नंबर में देखिए 100 है, 100 ही है, नो रिडीमेबल,
क्योंकि सेम सेम है, नो रिडीमेबल, बट इसमें कम हो जा रहा है, यहाँ कम हो जा रहा है। तो अभी मैंने पहला नंबर बताया सेम था, बट यहाँ बढ़ा था तो सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ नो रिडीमेबल, बट यहाँ क्या है, 100-100 ही है, कम हुआ, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, कम होने से क्या होता है, डिस्काउंट। रिडीमेबल नहीं लिखना है, सिर्फ डिस्काउंट वाला नॉर्मल तरीका। अब इसमें आ जाइए, 100 है लेकिन 105 है, तो रिडीमेबल होगा कितने से होगा, 5 से होगा, ठीक है, ये हो गया। ये भी डिस्काउंट भी आपका जो फोन नंबर पे था वो भी 5 ही से होगा, देख लीजिएगा मिला के माइनस करके। अब ये 100 देखिए 105 है, तो 5 का डिफरेंस है, तो मतलब रिडीमेबल, जहाँ ये फेस वैल्यू बढ़ा रिडीमेबल का अमाउंट, तभी समझिएगा रिडीमेबल है। तो ये 5 रुपया हुआ। अब ये 5 रुपया में देखिए, अगर हम डिफरेंस कितना करते, 110 105। और एक चीज़ देखिए, यहाँ ना घटा नहीं है, बढ़ गया है, रिडीमेबल है बट ये बढ़ा है, घटा नहीं है। तो जब भी बढ़ेगा, हम बोले थे यहाँ से बढ़ता है तो वो प्रीमियम होता है, तो इसीलिए यहाँ रिडीमेबल 5 और 5 प्रीमियम। देखिए ऐसा सब तरह का समा गया, पहला सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ, सेकेंड में सिर्फ रिडीमेबल हुआ, थर्ड नंबर में रिडीमेबल भी हुआ, डिस्काउंट भी हुआ, फोर्थ नंबर में आपका सिर्फ डिस्काउंट हुआ, फिफ्थ नंबर में रिडीमेबल और प्रीमियम हो गया। ये सम अगर आप कर लीजिएगा तो आपको कोई सम करना ही नहीं पड़ेगा रिडीमेबल का, सारे टाइप का इसमें दे दिया है और क्वेश्चन ही मेन, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि इससे पहले क्वेश्चन ही मेन क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि कौन सा रिडीमेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा डिस्काउंट है, कौन सा प्रीमियम है, किस रिडीमेबल में प्रीमियम भी इंक्लूड है, किस रिडीमेबल में डिस्काउंट भी इंक्लूड है, मेन क्वेश्चन ही है, तभी ना आप सॉल्व करिएगा। तो देख लीजिए, तो फिफ्थ नंबर में आपका क्या हो गया कि 100 में 105 है, ये बढ़ा, जहाँ रिडीमेबल का अमाउंट बढ़ा तो मतलब रिडीमेबल है 5 रुपये का। अब यहाँ देखिए, यहाँ बढ़ गया है, घटा नहीं है, तो बढ़ने का मतलब मैंने यहाँ भी बताया था, बढ़ने का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो गया। तो देखिए सब टाइप का सम इसमें दे दिया है, जरूर ये सम करिए तब आपको कोई रिडेम्पशन रिडीमेबल, ये सम कर लीजिएगा आपको कोई रिडेम्पशन रिडीमेबल का करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज तो इतना नहीं होगा, सबका दो दो जनरल होगा, तो ऐसे ही मेरा इतना बड़ा ये वीडियो बन गया है, तो मैं आज सिर्फ 2 समझाऊंगी, कल फिर 2 वीडियो का करूंगी, क्वेश्चन मैंने पूरा क्लियर आपका कर दिया है, अब सम सॉल्व करेंगे। तो आज सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने बताया, पहले तो फॉर्मेट देख लीजिए, डेट है, पेज सम नंबर मेरा 64 आपका अलग होगा, 272 है आपका अलग होगा, रिडेम्पशन का सम है, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश कुछ नहीं था, पर्टिकुलर लेजर फॉर योर डेबिट क्रेडिट, और नरेशन सबका दीजिएगा, नरेशन बहुत ईजी है, यही सब अमाउंट, यही सब लाइन बिठा दीजिएगा बिंग करके, और नहीं आपको समझ में आ रहा तो मेरा कोई एक वीडियो का जो नरेशन दिया हुआ है उसका देख लीजिएगा, सेम ही रहता है, खाली रिडेम्पशन वर्ड मेंशन कर दीजिएगा नरेशन में, ठीक है। सबका नरेशन एक ही है, एक का मेरे देख के आप बिठा दीजिएगा सब में, खाली वही चेंज होता है रेट फेट फेस वैल्यू, ठीक है, अनरेशन देने की लेकिन कंपलसरी है, बिंग लिख के दीजिएगा। तो चलिए, तो पहला जर्नल तो आपको पता है सब में सेम ही है, कुछ चेंज नहीं होता है, नॉर्मल तरीका जो शेयर कैपिटल में करते थे, नॉर्मल डिवेंचर में करते थे, पहला जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लिखते थे ना यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में, तो इसके बदले आप डिवेंचर एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, वहाँ पे जो आप लिखते थे इक्विटी शेयर कैपिटल उसके बदले 8% डिवेंचर लिखना है, बस नेम चेंज करना है, इसलिए मैंने कहा शेयर कैपिटल चैप्टर देख लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, देखिए ये अमाउंट आपको देना है, देखिए इशू कर दिया रुपीस अमाउंट दिया है ना, तो आपको डायरेक्ट ये अमाउंट, रिपेबल का मत दे दीजिएगा, पेबल का क्यों दीजिएगा, आप अमाउंट इशू का दीजिएगा हमेशा रुपीस 105, ये देखिए 105 105, नरेशन लिख दीजिएगा बींग इशूड एट रुपीस 105 रिपेबल, ये पूरा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकेंड जर्नल 1 का ए लिख दीजिएगा, यहाँ बी लिख दीजिएगा अगर प्रॉब्लम होगा तो, 1 का ए में देखिए सेकंड जर्नल आपका वही से इक्विटी शेयर कैपिटल में जो देते थे देखे डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे ना, वैसे ही सेम यहाँ भी है, कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन नाम दिए टू इक्विटी 8% डिवेंचर कैपिटल के बदले, और यहाँ पे हम मैंने अभी बताया था 100 था तो 105 हो गया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्वेश्चन आपको मेन समझना है, सम नहीं रटना है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों हुआ कैसे हुआ आप क्वेश्चन जरूर समझिएगा, मैंने इतना देर तक अभी क्वेश्चन ही समझाया है कैसे कैसे, वो देख के करिएगा। तो ये आपका 100 से 105 हो गया, मतलब प्रीमियम है, ये फेस वैल्यू सेम है तो रिडीमेबल तो नहीं है, सेम रहने से फिर नहीं होगा, और ये बढ़ने से प्रीमियम हो गया, इसीलिए नॉर्मल सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने लिखा, नो रिडीमेबल का वर्ड नहीं, कुछ नहीं आएगा। और अमाउंट आपका हो जाएगा कैसे, ये देखिए यहाँ 105 ही देना है आपका, 8% डिवेंचर के फेस वैल्यू आपको यहाँ भी 100 था वही 100 था, सेम ही है ना, तो यहाँ पे 100 ही देना है, और कितने का डिफरेंस हो रहा है प्रीमियम, ये देखिए 105 से 100 माइनस कीजिए, 5 रुपये का डिफरेंस है,
तो आपका प्रीमियम ₹5 हो गया। तो ये हो गया आपका नो रिडीमेबल नॉर्मल जनरल। सेकेंड में आइए, सेकेंड में आपको मैंने क्या कहा, रिडीमेबल है ₹5 का। कैसे, फिर से मैं बता रही हूँ, 100 से 105 हो गया। जहाँ रिडीमेबल बढ़ा तो मतलब समझ जाइए आपका आपका क्या है रिडीमेबल वर्ड। और देखिए 105 से ये 100 हो गया, ठीक है। ये कितने का डिफरेंस हो गया, ₹5 का। तो इसका मतलब क्या, ₹5 का तो आपका, मैं अभी मैं बताई यहाँ से यहाँ डिफरेंस 5 का है, तो 5 का अगर हम रखेंगे तो यहाँ तो बैलेंस भी हो जाएगा, मतलब सिर्फ रिडीमेबल आएगा, नो सिक्योरिटी प्रीमियम नो डिस्काउंट, क्योंकि बैलेंस हो जा रहा है 5 रखने पे, ठीक है। चलिए दूसरा जनरल देखिए। पहला जनरल नॉर्मल उसी के तरीके का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सॉरी टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 100, यही मैं अभी मैंने बोला यही अमाउंट आपको लेना है, तो 100 हो गया, ठीक है। और दूसरे में वैसे ही डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब यही ये लाइन ही आता है रिडेम्पशन के लिए, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और ये लाइन आएगा तो नीचे में प्रीमियम आएगा ही, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कोशिश कीजिएगा एक ही लाइन में लिखने का, ठीक है। जो अमाउंट इसका वैसे ही इसका, तो आपका इसमें कैसे कैसे हुआ देखिए, आपका सब फेस वैल्यू कितना था 100, ये मत ये देखिए 100 है दो, तो यहाँ भी नहीं फेस वैल्यू सॉरी अभी मैंने कहा, ये देखिए ये अमाउंट लेना है, इशू अमाउंट ₹100, ये 100 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन यहाँ भी 100 हुआ, और यहाँ का मैंने अभी बताया डिफरेंस कितना था, 100 से 5 माइनस के तो 5 रिडीमेबल हुआ, ये ₹5 का ही बैलेंस रखने पे ये भी हो जा रहा है, तो वही ₹5 आपका कितना हो गया लॉस। रिडीमेबल कितने का है, 5 का, 100 से 105 का कितना हुआ, 5 का ही हुआ ना, तो 5 आपका ये हो गया, यही 5 यहाँ भी, और ये 100 आपका 8% डिबेंचर, क्योंकि 100 है यहाँ भी, ठीक है। तो बस ये दोनों जर्नल हुए, ठीक है। तो और भी सब इसमें बता ही देती हूँ, अब तो क्वेश्चन ही मैंने समझा दिया तब तो कोई इशू ही नहीं है। देखिए जब मैंने हाँ, तो कल मैंने ये दोनों बताया था आपको, 1 और 2 नंबर अच्छे से, आज मैं बताऊंगी आपको 3 और 4 नंबर, 3, 4, 5 तीनों बता दूंगी। तो देखिए 3, 4, 5 नंबर में क्या है, 100 में आपका 105 हो गया, मतलब रिडीमेबल हो गया, मैंने बताया था इसका चेंजिंग होगा तो आपका क्या होगा रिडीमेबल होगा, तो कितने का रिडीमेबल होगा ₹5 का। बट देखिए यहाँ का जो जब हम ये कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ 95 मतलब 10 का डिफरेंस हो रहा है, जबकि हमको 5 ही का, तो 5 ही ना रिडीमेबल हो रहा है, तो 5 और बाकी क्या हुआ डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि कम हुआ है, तो इसीलिए रिडीमेबल 5 और 5 डिस्काउंट हुआ, ठीक है। अब देखिए आपका 4th नंबर में, तो चलिए इसका जर्नल देख लीजिए आप। 3rd नंबर में बैंक अकाउंट, पहला जर्नल तो नॉर्मल ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 95 करके क्यों हुआ, मैंने आप सब पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये 95 ही होगा, तो आपका 95 करके ही है, ये अमाउंट ही देना होता है, ये 95। और दूसरा जनरल आ जाइए, दूसरा जनरल अभी मैंने बताया 100 से 105 हो गया, तो रिडीमेबल ही होगा, क्योंकि जब भी ये बढ़ जाएगा तो ये आपका ₹5 हो गया, बढ़िया। और 5 और जो 5 डिफरेंस बच रहा है वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्यों लॉस हुआ क्योंकि 100 से 105 हो गया, ये देखिए 105, ये 5 हो गया आपका ये, ठीक है। हाँ देखिए, तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये 100 से 105 हुआ, ये 100 से 105 हुआ, 3 नंबर का ये ए नंबर है और 3 नंबर का ये बी है, 100 से 105 हो गया, तो 5 आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये 5 होगा, ठीक है। और डिस्काउंट क्या हुआ, क्योंकि देखिए 105 से ये 95 है, मतलब 10 का डिफरेंस है, तो आपको 10 में ये 5 जो मिला वो तो 5 रिडीमेबल हुआ, और 5 क्या हुआ वो डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि कम हुआ है, यहाँ से देखिए ये कम हो गया ना, तो डिस्काउंट, इसीलिए मैंने डिस्काउंट लिखा, ठीक है। तो ₹10 में जो डिफरेंस था, 5 तो आपका रिडीमेबल हो गया, तो बचा हुआ 5 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ₹5। और ये 95 तो आपका यहाँ है ही, जो आपने यहाँ पे लिखे है 95, बस अब वैसे ही सेम यहाँ भी वही आप क्या लिखिएगा, देखिए डिबेंचर और ये दोनों ऐड करके आपका 100 ये हुआ यहाँ पर, और ये जो लॉस एंड रिडीमेशन डिबेंचर आता है उसके लिए तो आपको पता है नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा, ये लाइन आएगा तो ये लाइन आना कंपलसरी है, टू प्रीमियम ऑन रिडीमेशन ऑफ डिबेंचर, यही 5 जो है ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये समझ गया ना, आप ये समझिएगा ध्यान से, ये चेंज होता है, याद रखिएगा, रिपेबल का अमाउंट और फेस वैल्यू का अमाउंट, अगर फेस वैल्यू से रिपेबल बढ़ गया तो आपका रिडेम्पशन है, ठीक है। डिफरेंस देख लीजिएगा, डिफरेंस में अगर यहाँ कम है इशू तो वो
आपका क्या हो जाएगा, आपका वो डिस्काउंट हो जाएगा। अगर वही बढ़ा रहता तो वो होता प्रीमियम, वो भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए फोन नंबर आ जाइए, ये हो गया। फोन नंबर में देखिए क्या, डिवेंचर इशूड एट 95, रिपेबल एट 100। देखिए 100 100 है, सेम है, नो रिडीमेबल, रिडीमेशन का वर्ड नहीं आएगा, मतलब रिडीमेशन भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये आता है तभी ये आता है, ठीक है। तो नॉर्मल, ये नॉर्मल जर्नल हो गया, मतलब शेयर कैपिटल में जैसे कर रहे थे नॉर्मल डिवेंचर में कर रहे थे, जैसे मैंने पहला नंबर में किया ना, नहीं आया था, देखिए 100 100 था, तो यहाँ ऊपर आगे बढ़ जाने से प्रीमियम हो गया था नॉर्मल प्रीमियम। और ऐसे ही यहाँ भी देखिए 100 100 है, बट ये कम है, तो यहाँ मतलब डिस्काउंट आएगा और नॉर्मल नॉर्मल डिस्काउंट। जैसे कि देखिए पहला जनरल तो आपको पता ही है, सबका एक ही है, उसी की तरह यहाँ भी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ का अमाउंट हमेशा ये इशू वाला अमाउंट लेना है, आपको अमाउंट दिया है ना, इसीलिए अमाउंट शेयर वेयर नहीं है ना, अमाउंट है 95, तो 95 ही आप ले लिए। दूसरा जनरल देखिए, पी नंबर, दूसरा जनरल आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2.8% डिवेंचर, नॉर्मल शेयर कैपिटल में नॉर्मल जैसे आप डिवेंचर में करते थे, बस वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ पे आप क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बस उसका नाम चेंज करके देखिए रिडेम्पशन वर्ड नहीं, लॉस एंड रिडेम्पशन प्रीमियम कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 100 का 100 ही रिपेबल हुआ है, और प्लस जो कम हुआ 5 ही का डिफरेंस है, और वो तुम्हारा आपका कम हो गया इसलिए डिस्काउंट हुआ, यहाँ का डिफरेंस में बढ़ जाता है रिपेबल तो ही रिडेम्पशन आता है, मतलब प्रीमियम वर्ड लॉस वर्ड आता है, ठीक है। जर्नल में ये हो गया आपका, अब अमाउंट तो आप समझ ही गए, 95 तो आपका था ही, 5 डिस्काउंट था, क्योंकि देखिए इस दोनों का माइनस कीजिए तो 5 का डिफरेंस हो रहा है, तो 5 आपका डिस्काउंट हुआ है, दोनों ऐड करके 100 आपका इसमें हो गया। तो आ जाइए फिफ्थ नंबर में, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब फिफ्थ नंबर, डिवेंचर इशूड एट ₹110 रिपेबल एट 105, देखिए फिर बढ़ गया है, फेस वैल्यू 100 था 105 हो गया, तो मतलब 5 से बढ़ गया तो मतलब रिडीमेबल वर्ड आएगा, मतलब रिडेम्पशन है, मतलब वही ये वाला जनरल लॉस ऑन वाला आएगा, लॉस आएगा तो नीचे प्रीमियम भी आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक नहीं है, याद रखिएगा, अलग अलग है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आता है लॉस ऑन के लिए, 100 से 105 हो गया, रिपेबल आप ज़्यादा कर दिए तो इसका मतलब रिपे जो पेमेंट हुआ है वो लॉस पे हुआ है, तो 100 से 105 कर दिए तो आप, ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ये 100 से 110, देखिए 105 से 110 ये बढ़ गया, पहले तो ये 5 आपका रिडीमेबल है, इसलिए जर्नल आप देख लीजिए, पहला जर्नल तो आपका इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, सबका पहला जर्नल एक ही था, कुछ चेंज नहीं था, तो यहाँ का अमाउंट कितना है 110, इशू का अमाउंट आप 110 दे दिए यहाँ पर। दूसरा जर्नल आइए, दूसरा जर्नल डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए, ये आया तो नीचे भी आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये जितना वैसा ही अमाउंट, अब यहाँ पे देखिए 100 से 105 है, तो मतलब 5 रुपये का है डिफरेंस, तो 5 रुपये यहाँ भी बिठा दीजिएगा, यहाँ भी बिठा दीजिएगा डायरेक्ट, 100 से 105 का माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ और यहाँ देखिए, तो अब यहाँ 100 से 105 ये 5 हुआ, बट आपका 5 में ये जो हो रहा है तो आपका देखिए 110 है, यहाँ 5 है, ये बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये बढ़ा हुआ है ना 110, तो आप देखिए 110 से बढ़ा मतलब प्रीमियम भी होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि बढ़ने से प्रीमियम ही होता है, इसलिए यहाँ बढ़ा हुआ है 5 का डिफरेंस में, तो बढ़ा हुआ है, यहाँ तो माइनस में ये 5 हो रहा है, तो ये 5 तो माइनस में जो हुआ वो रिडीमेबल हो गया, यहाँ जो 110 बढ़ रहा है वो क्या होगा, प्रीमियम होगा, ये ऐसे नॉर्मल, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा, ₹10, ठीक है। और यहाँ पे ये तो 5 है ही, अब सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, 110 5 देखिए 15 हो गया, यहाँ भी आपका ये 10 में ये 10 प्रीमियम हो गया, ठीक है, और ये देख लीजिए 10 कैसे आया, तो ये देखिए फेस वैल्यू आपका 100 था और आप इशू किए 110 पे, तो इसीलिए ₹10 प्रीमियम हो गया, ये देखिए 100 से 110 ये ₹10 का डिफरेंस हो गया, इसीलिए आपका ये हो गया, ठीक है, ये ₹10 सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम, जो जो अमाउंट यहाँ होगा वही अमाउंट यहाँ भी होगा, सेम यहाँ पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।